الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والصلاة والسلام على خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله زين مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. آپ تمام کا ہر مہینے اس جشن میں شریک ہونا اور بزم جاویداں کے زیر اہتمام یہ جشن ہوا کرتا ہے اور اس کے صدر ہم تمام کے دل عزیز بہترین سخن رکھنے والے بہترین شاعر جن کے کئی شاگرد ہیں اس کو میں نے خود سنا، دل باغبان ہو گیا، خوش ہو گیا کہ آہستہ آہستہ علی کی محبت کا کاروان نوجوانوں کو کس طرح سے جنت کی طرف لے جا رہا ہے. سوچے نوجوان اگر شیر کہے، بیت کہے، یہاں تو بیت کہہ رہا ہے، وہاں بیت بنا رہا ہے. ابھی جوان 18-19-20 برس میں وہ شعر کہہ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اپنے آگے آنے والے جو پورا شب زمانے میں ہر عمل انسان کرتا ہے صرف اس لیے کہ اسے جنت مل جائے. اب کتنے دن زندہ رہے نہیں پتا، لیکن جیسے جیسے وہ بیت کہتے جائے گا اہل بیت کی محبت میں وہاں بیت ملنے والا ہے. ہر شعر میں بیت نہیں ملتا، اہل بیت کی محبت میں بیت کہنے سے بیت ملتا. یہ جو بھی آپ شاگرد اپنے استاد کی عزت کرے، ان کی تکریم کرے کہ وہ ایسے راستے پر آپ کو لے جا رہے ہیں جو مولا نے فرمایا کہ انا صراط مستقیم، میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، ادھر ادھر نہ بہکنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ہذا صراطی مستقیما ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ. دوسرے راستے پر جاؤ گے تو بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. تو ایک ہی راستہ وہ علی کا راستہ ہے، وہ بیعت سے ہو کر گزرے، اہل بیعت کی محبت رکھ کر یا اس پاک عاشور خانے سے ہو کر کدھر سے بھی ہو، کرے عرض پر کہیں ہو، لیکن شعر کہنا، بیعت کہنا آنے والے مستقبل میں اپنی اور اپنی اولاد کو محفوظ رکھتے ہوئے سیدھے راستے پر چلنا بڑی بات ہے جناب گرامی. اور پھر اس کے بعد یہ شعر ہر کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ انتخاب شدہ ہوتا ہے. اللہ انتخاب کرتا ہے کہ یہ اس کا ایمان صحیح ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، ایمان کی بلند منزلوں پر ہے، تو اب اس کے زبان سے وہ شعر نکلے گا تو کیسے نکلے گا؟ تو وہ نور بن کر وہاں سے جو الفاظ ذہن میں آتے ہیں وہ عقیدت کے سمندر میں جھونکے لگا لگا کر چلا جاتا ہے،
अकीदत के मोतियों को लेकर जब बयान करता है लफ्जों में तो उसमें इतनी पाकीजगी होती है कि जो सुनता है कान से सुन रहा है जबान से सुभान अल्लाह निकल रहा है। बस मैं जावेदान को मुबारकबादी के काबिल समझता हूँ, और खुसूस सदर साहब को जो इसकी सदारत कर रहे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, आबाद रखे, और बेहतरीन शोराए कराम को तैयार कर रहे हैं, नौजवानों को तैयार कर रहे हैं। माशाल्लाह ये पुराशुभ जमाने में जब लोग पीछे लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह से अली की मोहब्बत को नाउज़ुबिल्लाह के कमतर करके बताएं, कम कर दे, लेकिन वो हो नहीं सकता। जैसे सूरज चमकता है चमकता है, अगर कोई काली ऐनक पहन कर दिन के 12 बजे ये कहे कि सूरज मांद पड़ गया तो ये तेरी आंखों की जो कमी और तुम ऐनक पहन रहा है उसके नतीजे में अली उसी तरह चमकता हुआ सूरज है जो ना कभी डूबने वाला है ना कटने वाला है। नौजवान लड़के जो पढ़ रहे थे दिल बाग बाग हो गया कि चेहरों पर वो मौलायत का नूर बन के है और वो साफ दिल से पढ़ रहे हैं, उनके चेहरे उनकी मुस्कुराहट, याद रखे ये मुस्कुराहट यही पर रहने वाली नहीं है जो अली की मोहब्बत में बैत कहता है या किसी और के अशआर को अपनी आवाज में रंग दे के पढ़ता है, तो जो साफ जो मुस्कुराहट है इससे होते हुए वो नस्लों में बाकी रहने वाली है। मुस्कुराहट मुंतकिल होने वाली है, जो विलायत दिल में है, विलायत जहां पर है वहां पर खुशबू है, ये खुशबू नस्लों में जाने वाली है, ये पाकीजगी नस्लों में जाएगी, ये इंसान को सीधे रास्ते पर रखती है। ये अली की मोहब्बत अली की विलायत में इतनी कशिश है कि जहां पर जो जिसका जैसा अकीदा है दूर से विलायत देखती है, जो पाक अकीदा होता है वो अपने तरफ खींच लेता है। जैसे मैग्नेट दूर से कैसे खींच लेता है अपनी सिफत वालों को, ऐसे इसकी सिफत है वैसे खींच लेगा। तो एक अली वाला विलायत रखने वाला हजारों में पहचाना जाएगा, क्योंकि उसके चेहरे पर नूर होगा, उसके चेहरे पर यकीन होगा, चलने में सुकून इत्मीनान होगा, आहिस्ता आहिस्ता कदम पर वो कदम रख कर आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो जानेगा कि मैं तुराब पर चल रहा हूं और वो तुराब की मोहब्बत तो दिल में रहा। यहाँ पर ये जो बस मुनक्किद की जाती है आपको अंदाजा नहीं है, आप तन्हा यहाँ पर नहीं है, मलक का भी नुज़ूल होता है, फरिश्तों का भी नुज़ूल होता है, रहमतें भी बरसती है, करम भी परवरदिगार का होता है। अगर वो निगाह हमारी वहां तक चली जाए तो पता चलता है कि जब रात के अंधेरे में कैसे जुगनू चमकता हुआ नजर आता है, जहां पर भी महफिल होती है का नाम
लखनऊ से दावत आई है, मद्रास में जाना है, अलीपुर में जाना है, कैसी मजलिस पढ़ों का परेशान कभी नहीं होना, हर महफिल में हर जमीन पर किसी खत्ते में कायनात के चले जाओ, सिर्फ अली का नाम लेते रहना, सिर्फ अली का नाम लेते रहना, तुम सुर्ख रू हो जाओगे, क्योंकि अली वो नुक्ता आखिर है जो न कट सकता है न मिट सकता। कोई जवाब कोई सवाल, याली याली याली, आखिर में वो दो ही बात करेगा, या दीवाना हो चुका है या फिर गैज में आके कहेगा कि ठीक है तू इतना अली अली कहता है तो अली वाला हो गया। तो वालिद ने कहा इससे बड़ा तंगा कोई और नहीं हो सकता कि तुम्हारा दुश्मन ये कहे कि ये अली वाला। सलामत रखे, ये कौम की बहुत बड़ी असास है, आज साजिश चल रही है कि इनको कम कर दिया जाए, शायरों को दूर कर दिया जाए, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो शेर कह रहा है ऐसे ही हवा में नहीं कहता, उसके पीछे मंतिक होती है, उसके पीछे इल्म होता है, उसके पीछे तजुर्बा होता है। सबसे बढ़कर वो जब अली का जिक्र और अली के लिए बैत या शेर कहता है बगैर किसी तमा में, बगैर किसी शौक में, यानी मुझे दौलत मिल जाए शौहरत मिल जाए नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिजाए महबूद के लिए और फातिमा शहजादी राजी हो जाए। तो फिर ऐसा दीवाना हो जाएगा, याद रखे लोग कहेंगे अली का दीवाना, फौरन शुक्र का सजदा करना परवरदिगार, अली का दीवाना हो गया। तारीख बताती है किताब पर पहुंचाया मैंने, जन्नत से शुरू किया जन्नत पर खत्म करूंगा, तारीख यही कहती है अली 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 करते रहो ताकि लोग कहे कि ये दीवाना हो जाए, का बहुत बड़ा तंगा मिल गया। जो अली का दीवाना होता है तो शेर कोई कहते बैत कहते तो जन्नत में बैत में बनाएगा, तो अब ये कोई अली की मोहब्बत में दीवाना हो जाए तो वो दीवाना दीवाना नहीं रहता, दाना बन जाता है। पहला दाना ये कूफे की गलियों में बैठकर जमीन पर अपने हाथ से खत खींचता है अल्लाह से जन्नत में खाता। तो एक दीवाने में उसकी उंगलियों में इतनी ताकत है कि जमीन पर बैठ कर वो इशारा कर दे चंद चूल्हे बना दे, वहां पर बैत मैंनी जन्नत में घर बन रहा है। तो आप सोचे हसीबुन नार व जन्नत का क्या आलम होगा जब एक गुलाम जमीन पर बैठ कर जन्नत में घर बांट सकता है, जब अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत विलायत आ जाए कि सीधा जन्नत में चला जाए। दुआ करता हुआ इख्तिताम पर पहुंचू कि परवरदिगार ये बस में जावेदा के अराकीम उनके सदर को अल्लाह सलामत रखे आबाद रखे, जब तक ये वक्त कायम है उस वक्त तक ये जश्न होता रहे, याद रखे क्योंकि ये बहुत बड़ी इबादत है,
ये साल भर 12 महीने हो रहा है, कहीं जश्न कहीं मुसालमा, यानी बस जावेदा को बाकी रखना, वो जावेदा कहे वो चराग को बाकी रखना, जिस किसी ने भी नींद डाली अल्लाह वो मरहूम नहीं है, इस वक्त मरहूम हो चुके हैं, परवरदिगार उनके दर्जात को आली फरमाए। और सदर साहब यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है, इनकी जान माल इस ताको की हिफाजत फरमाए, शौरे कराम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ये नौजवान कौम के आने वाले इमाम की रियाया है, इनके बाजुओं में मजीद खुवत हैदरी से इजाफा फरमाए, हमारे तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए, हम तमाम को करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए, और जो जा चुके परवरदिगार उन्हें बार बार करबला जाना नसीब हो, और रज़ा इस्फहानी साहब को आबाद व शाद रखे, इस मुकाम पर जहाँ जश्न मजलिस होती है, इस मुकाम को हमेशा हमेशा आबाद व शादाब रखे, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम तमाम को उनके नासरों में शुमार फरमा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिह। मैं फिर एक बार सदर मजलिस उलमा ज़ाकिरीन दक्कन हैदराबाद तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूँ, बज़्म की जानिब से, तमाम अरकान की जानिब से, कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया, और तमाम से गुजारिश करता हूँ कि एक सूरह फातिहा मौलाना रज़ा हसन कुल्ला और मौलाना बाखर हसन कुल्ला और उनके तमाम खानवादे के मरहूमिन सैयद हसन कुल्ला मोहसिन कौम और हाजरीन के तमाम मरहूमिन और निज़ाम मुजाहिद हुसैन इस्फहानी साहब और हाजरीन के जितने भी मरहूमिन हैं, सदर मुहतरम तशरीफ़ लाए हैं, कायम नगर साहब, मीर जाफर अली साहब,